तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको पता है कि बाहर चल रहा है लॉकडाउन और अभी मैं कहीं भी बाहर घूमने नहीं जा सकता दिल्ली में, और अभी तो बहुत बुरा हाल है, बाहर जाना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी स्टे एट होम, मैंने भी मास्क लगाया था जैसे एक वीडियो बनाने के लिए, मैंने कहा चलो अपनी शक्ल दिखा दी जाए। और आज हमने प्लान किया है क्योंकि बहुत सारी मैं देख रहा था काफ़ी दिनों से कि काइट्स उड़ रही है, मैं भी पता नहीं आप देख पा रहे हो पीछे या नहीं, अभी दिखाता हूँ मैं। तो मैं भी कहीं से काइट्स का जुगाड़ करके लाया, मांझा लेके आया हूँ साथ में, और हमारे साथ में कुछ फ्रेंड्स हैं उड़ाने के लिए, जिनके टेरेस से मैं ये पतंग उड़ाऊँगा अभी अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा कज़न भी है, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि कैसे काइट्स को पन्ने वगैरह बांधते हैं, कैसे उसको उड़ाना है। अपनी तरफ से जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं फटाफट, लॉकडाउन में एंजॉयमेंट शुरू करते हैं कुछ पतंगबाजी के साथ। हमारे कुछ कलरफुल काइट्स, टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, कुछ कागज़ वाली हैं, कुछ प्लास्टिक वाली हैं, कहीं से जुगाड़ करके मैंने ये अरेंज किया है इनको। ये हमारे अवतार सिंह जी जिनकी छत से हम उड़ा रहे हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र। ये मेरा भाई, मेरा कज़न के फूड एंड ट्रैवल जोन से इसका चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करना, मैं लिंक पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। ये अलग अलग तरीके की पतंग, मिर्ज़ापुर भी है हमारे पास, टॉम एंड जेरी भी है, सब कुछ है। और ये हमारे टेक्नो एक्सपर्ट परमजीत सिंह। तो यहाँ पे हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि काइट्स में पन्ने कैसे बांधे जाते हैं जिससे इसको इजीली उड़ाया जाता है। ये देखिए, आप दो छेद इस साइड कीजिए, दो छेद नीचे की साइड कीजिए, ये जो पोर्शन है इसके ऊपर ये जो निशान बना हुआ है। अब हम धागे को ले लेंगे, धागे को हम डबल कर लेंगे 2 मीटर को, और छेद दोनों बराबर करके ऐसे एक साइड से डालेंगे, फिर दूसरी साइड से निकाल के 3-3 गांठ मारेंगे। गांठ थोड़ी टाइट मारें ताकि ये टूटे ना उड़ते हुए, क्योंकि उड़ते हुए थोड़ी सी पतंग भारी हो जाती है। अगर आप 1-2 गांठ फालतू मार लेंगे तो आपके कन्ने कभी नहीं टूटेंगे। और अगर कन्नों को बांधना हो पतंग को तो सद्दी से बांधें, मांझे से बिल्कुल ना बांधें, क्योंकि मांझे के टूटने का डर रहता है, सद्दी के टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और कन्ने जो होते हैं एकदम बैलेंस रहते हैं, जितना ऊपर का गैप उतने नीचे का गैप होना चाहिए, बीच में फिर उसको टाइप करते हैं ना। देख रहे हो मैंने दोनों साइड 3-3 गांठें मार दी हैं, और हम इसको बीच में से इक्वल करके अब हम गीट मार देंगे बैलेंस करके बांध देंगे। ये हमारा भाई पतंगबाजी में बहुत एक्सपर्ट है, जैसे आप देख रहोगे कि वन ही शॉट में भाई ने पतंग उड़ा दी हमारी। अभी आपको इसने बताया था कि कैसे कन्ने बांधे जाते हैं पतंग में, कन्नियाँ बांधी जाती है, और कैसे इसको बैलेंस किया जाता है ताकि एक ही बारी में आराम से उड़ जाए। ये हमारे चरखी पकड़ा हुआ अवतार सिंह जी ने, और ये हमारी पतंग हवा से बातें करती हुई, कहीं दूर वहाँ पे कहीं पे पतंग उड़ रही हैं। मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ वहाँ पे हमने लास्ट पतंग उड़ा के वहाँ पे पेचे लगाए थे जहाँ हमारी कट गई थी। तो ये मैंने थोड़ा सा जूम किया, आप देख रहे हो कि वहाँ पे कहीं पे काइट्स उड़ रही हैं बहुत सारी। तो जहाँ तक हम बढ़ा के, और ये रही हमारी पतंग, जहाँ तक हम बढ़ा के उनके साथ पेचे लगाएंगे, और कोशिश रहेगी कि उनकी आईबो कर दें। Flying, yay!
तो ये यहाँ तक हमने बढ़ा लिया अपनी पतंग को, जहाँ पर वो बाकी पतंगें उड़ रही थी उनसे पेचा लगाने के लिए। तो अब देखते हैं किससे जल्दी पेचा लगे। उधर भी एक पतंग आप देख रहे हो वो उड़ रही है, और ये कहीं हमारे ऊपर है। अभी देखते हैं किससे पेचा लगेगा और कौन जीतता है। तो ये हमारा पेचा लगते हुए, ये हमारी पतंग ऊपर आ गई, वो बहुत नीचे है, बीच में टंकी कुछ अड़ रही हैं, कहीं मांझा ना अड़ जाए। आज कम उड़ रही है, तो कोशिश यही है कि खींच के लेगा या डील करके लेगा। ये लगा पेचा, यहाँ पे बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है क्योंकि एक बारी में आई बो, और हमने यहाँ पे उसकी पतंग काट दी है बहुत आगे जाके। हमारे भाई ने पतंग काटी, देखो कहाँ पे चढ़ गया, उसने कोशिश करी कि पेचा लगाया जाए और अपनी क्राइट को बैलेंस कर सके। तो जैसे कि अभी आपने देखा हमने एक पतंग काटी है, और वहीं पे द्वारा उसी साइड पे ज़्यादा पतंग उठ रही हैं, आसपास के एरिया में इतना पतंग नहीं है, तो हमें दूसरी छत पे जाके वहाँ पे थोड़ा बैलेंस करके, ताकि हमारा भी मांझा पेड़ में ना अड़े, तो वहाँ जाके अब हम पेचे लगाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट किसकी आई बो होती है। तो हमने पतंगे उड़ा ली, दो पतंगे उड़ाई, एक दो काटी भी, एक कटवाई भी, और उसके बाद अंधेरा हो गया, तो अब हम घर पे आ गए हैं। अब हमने सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लिया जाए, और हम मैगी ब्रेक ले रहे हैं, मैगी खाएंगे चाय के साथ, फिर जाएंगे अपने अपने घर पे, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा बाहर घूमना ठीक नहीं है। पर मास्क लगा के घर से बाहर निकले, डबल मास्क, तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे, फिलहाल हम मैगी खाते हैं, चाय पीते हैं और घर जाते हैं।